हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर रवि और मैं डिस्कस करने वाला हूं जेई मेन का प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम। तो ये शुरुआत हमने स्पेशली जेई मेन के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए किया है। तो अभी आपको जैसा पता है जेई मेन का एग्जाम चल रहा है और अभी भी 3 फेज का एग्जाम बाकी है। फरवरी का ऑलमोस्ट होने के हो गया है, मार्च में भी है, अप्रैल में भी है, मई में भी है। तो जिनका आगे आने वाले फेज में जो फिर से देने वाले हैं उन लोगों के लिए रिवीजन का बहुत ही अच्छा मौका है। तो मैंने फिजिक्स में क्या किया है, टॉपिक वाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मॉडर्न फिजिक्स है, ऑप्टिक्स है, या 11th के जो भी टॉपिक्स है, तो सबको टॉपिक वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्वेश्चंस को। और उस टॉपिक में भी ईयर वाइज क्वेश्चंस हमने डिस्कस करना शुरू किया है। ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लें, जिसमें मैंने 2002 से 2005 तक का प्रॉब्लम डिस्कस किया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस पार्ट 2 वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही मैं 2006 से 2007 मतलब इस 2 साल का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ऑल राइट, तो आइए चलते हैं 2006 एंड 2007 का प्रॉब्लम देखते हैं। द फर्स्ट वन, पहला प्रॉब्लम, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायपोल विल एक्सपीरियंस। तो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा गया है, ठीक है, और ये डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। तो डायरेक्शन तो हमने फिक्स दिखा दिया, लेकिन मैग्नीट्यूड हो सकता है उसका चेंज होता रहेगा। ऑलराइट, आपने पढ़ा होगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑलवेज 0, बिकॉज डायपोल कंस्टिट्यूट्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म में अगर रखेंगे तो जितना फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे लगेगा उतना ही नेगेटिव पे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो नेट फोर्स बिकम्स 0। एंड द सेकेंड वन, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज गिवन बाय पी क्रॉस ई। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल इस पे टॉर्क लगता है। तो ये टॉर्क इस तरह से होता है कि इट ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन द डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सेंस में टॉर्क लगता है। फाइन, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में फोर्स तो डेफिनेटली 0 होगी, बट टॉर्क 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फाइन, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एफ 0 नहीं होने के चांसेस है, क्योंकि इस पे अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में, या नेगेटिव है इस पे फोर्स उसके अपोजिट, डायरेक्शन तो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, इसे फोर्स 0 होने के चांसेस नहीं है। व्हाट अबाउट द टॉर्क, अगेन टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज गिवन बाय पी क्रॉस ई। तो सो फोर्स भी 0 नहीं है, टॉर्क भी 0 होने का चांसेस नहीं है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, ए कह रहा है ट्रांसलेशनल फोर्स वनली, केवल ट्रांसलेशनल फोर्स मतलब देयर इज नो टॉर्क, वनली ट्रांसलेशनल फोर्स, सो ये गलत है। ए ट्रांसलेशनल फोर्स वनली इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन इट्स रॉन्ग। ए टॉर्क एज वेल एज ए ट्रांसलेशनल फोर्स, ये सही है, दोनों के दोनों ऑपरेट कर रहा है, सो होगा। अब फोर्थ ऑप्शन इज टॉर्क वनली, तो अगेन ये गलत है, केवल टॉर्क नहीं फोर्स भी हो सकता है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, टू इंसुलेटिंग प्लेट्स आर बोथ यूनिफॉर्मली चार्ज इन सच ए वे दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज V2 - V1 = 20 वोल्ट। तो दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 20 वोल्ट। प्लेट नंबर 2 इज एट हायर पोटेंशियल देन प्लेट नंबर 1। द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय 0.1 मीटर एंड कैन बी ट्रीटेड एज इनफाइनाइटली लार्ज। एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट ऑन द इनर सर्फेस ऑफ प्लेट 1, व्हाट इज द स्पीड व्हेन इट हिट्स प्लेट 2। तो एक इलेक्ट्रॉन को प्लेट नंबर 1 से रिलीज किया गया, चलो ये प्लेट नंबर 1, ये 2, जहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया, तो आपको बताया गया कि प्लेट नंबर 2 हायर पोटेंशियल पे है, प्लेट नंबर 1 लोअर पोटेंशियल पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, जिसकी वजह से एक्सलेट करके प्लेट नंबर 2 तक पहुंचेगी। तो मान लेते जिसमें प्लेट नंबर 2 का स्ट्राइक करने वाले उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी है, और यही आपको फाइंड करना।
तो इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू यूज आइदर वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो लेट्स यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू जीरो. द काइनेटिक एनर्जी में चेंज हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस जीरो व्हिच इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस. तो अगर एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है चार्ज डेल्टा यू एस चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस क्यू डेल्टा वी. तो यहाँ पे चार्ज कितना है तो माइनस ऑफ ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है नेगेटिव है इंटू डेल्टा वी इक्वल्स जीरो. बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है तो वेलोसिटी मिल जाएगी. तो वेलोसिटी विल टर्न आउट टू बी ट्वाइस ई डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ई डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एम. अब इसमें सबका वैल्यू रख दें टू टाइम्स 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 ये दिया हुआ 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप. ये 2 और ये 2 तो स्क्वायर रूट से बाहर 1.6 एंड दिस 0 तो 16 तो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा 4. 9.11 को अप्रॉक्स 9 मान लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट 3. 10 का पावर कितना बचा तो माइनस 31 और माइनस 19 ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर 31 माइनस 19 तो 31 माइनस 19 इज हाउ मच 12 सो स्क्वायर रूट 10 टू द पावर 6 सो कितना हो जाएगा 8/3 तो 2.66 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द सेकेंड प्लेट. सो आंसर होगा ऑप्शन ए 2.65 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. फाइन नेक्स्ट वन टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ए एंड बी ऑफ रेडियस 1 mm एंड 2 mm आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 cm एंड आर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. If the spheres are connected by conducting wire, then in equilibrium condition, the ratio of the magnitude of the electric fields at the surfaces of spheres A and B is. तो दो स्फेयर है दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके रेडियस 1 mm एंड 2 mm है ठीक है दोनों चार्ज है. अब इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो वायर से कनेक्ट करने से क्या होगा चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल स्फेयर टू लोअर पोटेंशियल स्फेयर और ये तब तक होती रहेगी जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कंडीशन. ऑलराइट तो सो जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो मान लेते हैं पहले वाले स्फेयर पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और दूसरे का सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2 तो फॉर स्फेरिकल कंडक्टर्स चार्ज डेंसिटी इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज ऑलवेज सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. इस लॉ को ओबे करता है चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर. साथ ही साथ स्फेरिकल कंडक्टर अगर चार्ज है तो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ठीक है कितना होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है कंडक्टिंग सरफेस है. ऑलराइट तो ऐसे केस में क्या होगा कि सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 या इसको छोड़ो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो E1 बाय E2 इज सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा और सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस तो सी हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1 दैट मीन्स 2/1. तो सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. तो इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा इसे हम लोग समझ सकते हैं लेट्स सी कैसे. तो दोनों स्फीयर के चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन रेडियस R1 एंड R2 है ठीक है वायर से कनेक्टेड है तो दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला स्फेरिकल सरफेस के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है कि चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस के क्यू बाय आर. तो इसका के क्यू बाय आर पहले वाले का के चार्ज हो जाएगा उसके सरफेस पे सिग्मा इंटू 4π r1² आप जानते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया ये टोटल चार्ज उस पे हो जाएगा डिवाइड बाय रेडियस r1 k टाइम्स सिग्मा 2 इंटू 4π r2² डिवाइडेड बाय
रेडियस आर टू, तो फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपको सिग्मा वन आर वन इक्व सिग्मा टू आर टू। तो इन दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ऑल राइट, तो सो इस फैक्ट को आप याद रखोगे। फाइन, नेक्स्ट 24, ये 2007 का प्रॉब्लम है। अगेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10 टू द पावर माइनस 3 माइक्रो कूलम्ब इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन 00 ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। द टू पॉइंट्स ए एंड बी आर सिचुएटेड एट रूट टू एंड 20 रेस्पेक्टिवली। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी विल बी। तो क्या करें प्रॉब्लम, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन पर ठीक है एक चार्ज रखी हुई क्यू 10 टू द पावर माइनस 3 माइक्रो कूलम्ब। फाइन, दो पॉइंट्स गिवन है, दो पॉइंट्स है, एक है पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है रूट टू एंड रूट टू, और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 20। तो फिर ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी ए माइनस वी बी, इसका वैल्यू आपको बताना है ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर। तो लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज ओ ए एंड ओ बी। तो ओ ए कितना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर से 2 2 4 हो जाएगा 2। ओ बी आपको क्लियरली दिख रहा है, ओ बी इज 2 यूनिट। तो चूंकि ओ ए और ओ बी डिस्टेंस इक्वल है तो सो इस चार्ज क्यू का पोटेंशियल ए और बी पे सेम होगा, तो दैट्स वाई वी ए इक्वल्स वी बी, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी 0। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0। फाइन, तो बेसिक आइडिया है कि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाय आर, दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करेगा पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस सेम, सो पोटेंशियल सेम, सो नो पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ 25, अगेन ये 2007 का प्रॉब्लम है। चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर एज शोन, लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी द पोटेंशियल एट द सेंटर। इफ द चार्जेस ऑन ए एंड बी आर इंटरचेंज विद दोज ऑन डी एंड सी रेस्पेक्टिवली देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ऑलराइट, तो चार्ज स्क्वायर के कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए है, ए पर है क्यू, बी पर है अगेन क्यू, सी पर है माइनस क्यू और डी पर है माइनस क्यू। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की बात होनी है, तो इस सेंटर ओ पर पोटेंशियल, इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल सेम अमाउंट का होगा और पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये डिस्टेंसेस सेम सेम है चारों का सेंटर से। नेगेटिव का भी पोटेंशियल सेम अमाउंट का होगा बट नेगेटिव होगा, तो जितना उन दोनों पॉजिटिव का पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, सो पोटेंशियल मस्ट बी 0। फाइन, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड towards the charge, इस negative का भी electric field towards the charge, और हम लोग ये समझ सकते हैं कि चारों electric field का magnitude सेम होगा। ये magnitude कितना होगा चारों का, so k q divided by distance square, और ये distance कितना है, the half of the diagonal, अगर side length a माने तो diagonal होगा root 2 a, उसका half तो a by root 2 का whole square, तो सबका magnitude सेम है, तो so ये दोनों एडअप हो जाएगा, ये दोनों एडअप हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट बाइसेक्टर के डायरेक्शन में होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। फाइन, अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप क्या करो, चार्जेस के पोजीशन को इंटरचेंज करो, जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव और जहां नेगेटिव था वहां पॉजिटिव। तो फिर इस केस में क्या होगा कि पोटेंशियल अब भी इस सेंटर का पोटेंशियल जीरो ही होगा, ठीक है, चार्जेस का डिस्टेंस नहीं बदला, पोजीशन तो बदला है लेकिन डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया। नाउ व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सो अगेन पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, इसका अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव का
towards the charge is negative का, towards the charge the resultant again is bisector के along. तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों सिचुएशंस में है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है. तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल जीरो था जीरो रहा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस आएगी. और किस तरह की चेंज आएगी, द मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम, हाउएवर इट्स डायरेक्शन विल गेट रिवर्स्ड. ऑलराइट, द ई चेंजेस बी रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन ए. तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए. नेक्स्ट प्रॉब्लम, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक्स मेजर्ड इन माइक्रोमीटर ड्यू टू सम चार्जेस सिचुएटेड ऑन द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय. तो कुछ चार्ज सिस्टम की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला दिया हुआ है, वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज 20 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 वोल्ट, हाउएवर एक्स इज इन माइक्रोमीटर. तो यू हैव टू फाइंड आउट एट एक्स इक्वल्स 4 माइक्रोमीटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑलराइट, तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, आप जानते हो, ई इक्वल्स माइनस डी वी बाय डी एक्स. बस इसी रिलेशन का यूज करना, तो डिफ्रेंशिएट करना सिंपली, डी बाय डी एक्स ऑफ 20 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4. तो 20 कांस्टेंट है, सो माइनस 20 डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर माइनस 1. सिंपली पावर वाले फॉर्मूले लगाओ आप, तो माइनस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर माइनस 2, और इसका डिफरेंशिएशन एक बार फिर करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा 2x. तो इट विल टर्न आउट टू बी हाउ मच, और पावर से ये मल्टीप्लाई भी करना था जो कि हमने नहीं किया, तो यहाँ पे माइनस 1 भी आएगा, तो ये एक्चुअली में प्लस हो जाएगा. तो 40x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर. तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का. अब x का वैल्यू रखो आप, उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा. तो x है 4 माइक्रोमीटर, 40 इंटू 4 डिवाइडेड बाय ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का होल स्क्वायर. तो ये कितना आएगा, 40 इंटू 4, 16 माइनस 4 इज 12, तो 12 इंटू 12 तो कैंसिल करा दो, 4 थी 12, चलिए 3, सो 10 बाय 9, नंबर तो 10 बाय 9 है, व्हाट इज इट्स यूनिट. तो डी वी बाय डी एक्स, ये फॉर्मूला जो था इक्वल्स माइनस डी वी बाय डी एक्स, वी वोल्ट में है, ठीक है, और ये एक्स किस में है, माइक्रोमीटर में. तो सो इट्स यूनिट विल बी वोल्ट पर माइक्रोमीटर, फाइन. उसके बाद इसका साइन यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 10 बाय 9 वोल्ट पर माइक्रोमीटर. तो आप देख लो किस ऑप्शन में, तो 10 बाय 9 ऑप्शन ए में भी है, डी में भी है, बट ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है तो ये नहीं होगा, और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, यही आपका आंसर होगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ नेक्स्ट वन, ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ ए डायलेक्ट्रिक ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटी सी एंड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल वी वोल्ट. जब उसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है डायलेक्ट्रिक, तब उसका कैपेसिटेंस कितना है, सी, और उसे चार्ज किया गया अप टू ए पोटेंशियल ऑफ वी. द डायलेक्ट्रिक स्लैब इज स्लोली रिमूव्ड, अब डायलेक्ट्रिक स्लैब को हटा दिया गया बिटवीन द प्लेट्स एंड देन री इंसर्टेड, उसका फिर से इंसर्ट कर दिया गया. द नेटवर्क डन बाय द सिस्टम इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ, राइट. तो क्या हुआ कि पहले कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक फील्ड था, इसको एक पोटेंशियल से चार्ज किया, इसकी कैपेसिटेंस है सी. अब क्या करते हैं, इसको हटा, इस पर एक चार्ज आ गया होगा, तो प्लस क्यू माइनस क्यू, ये चार्ज इक्वल्स सी भी होगा, फाइन. इसमें एक एनर्जी स्टोर रहा होगा, इनिशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, या लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाय 2c. अब कह रहा है कि इस डायलेक्ट्रिक को हटा दिया, द डायलेक्ट्रिक स्लैब इज स्लोली रिमूव्ड फ्रॉम बिटवीन द प्लेट्स एंड देन री इंसर्टेड. तो निकाला फिर से डाल दिया, तो डालने के बाद क्या हुआ, फिर से
एक्चुअली वही सिचुएशन आ गया जैसा कि पहले था। ऑलराइट, तो इस सिस्टम में के इनिशियल और फाइनली अगर देखा जाए तो दोनों में कोई चेंज नहीं है। उसके में जो स्टोर्ड एनर्जी है, फाइनली स्टोर्ड एनर्जी इतना ही होगा, हाफ सी वी स्क्वायर ही होगा या क्यू स्क्वायर बाय टू सी ही है। तो इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी एंड फाइनल स्टोर्ड एनर्जी दोनों सेम है। तो सो वर्क डन इन सच केसेस इज गिवन बाय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, सो इट विल टर्न आउट टू बी जीरो। तो सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो। फाइन, तो नो वर्क इज बीइंग डन इन दिस प्रोसेस। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, इफ जीई एंड जीएम आर द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेसेस ऑफ अर्थ एंड मून रेस्पेक्टिवली। अर्थ और मून के सर्फेस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल दिया हुआ जीई एंड जीएम। एंड इफ मेलिकन्स वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कुड बी परफॉर्म्ड ऑन द टू सर्फेसेस, वन विल फाइंड द रेशियो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन द मून डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन द अर्थ टू बी। तो अर्थ पे जीई और मून पे जीएम अलग अलग है। आप जानते हो कि मून पे अर्थ का 1/6 हो जाता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मेलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या था कि एक चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप को बैलेंस किया गया, इक्विलिब्रियम में लाया गया। तो उस पर अगर चार्ज है सपोज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो ई ई इक्वल्स इट्स वेट एम जी। ठीक है, यही था एक्चुअली में मेलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ई, उसका रेशियो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन मून बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन अर्थ, ये कितना होगा, क्या होना चाहिए, क्या ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज? तो डेफिनेटली नो, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज अ कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दीज ग्रेविटेशनल टर्म्स, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो सो चाहे वो मून पे आप इलेक्ट्रॉन की चार्ज देखो, अर्थ पे इलेक्ट्रॉन की चार्ज देखो, जुपिटर पे इलेक्ट्रॉन की चार्ज फाइंड करो मिल्कन वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, कहीं भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लो, इट विल टर्न आउट टू बी द सेम। तो सो दिस रेशियो विल बी वन। ऑलराइट, तो सो आवर आंसर इज दिस रेशियो टू बी वन। ऑलराइट, तो ये था हमारा 2006 एंड 2007 का जेई मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम। तो आज इतना ही दोस्तों, थैंक यू देखने के लिए, और आगे भी आप इसी तरह से आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूंगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इससे आगे के प्रॉब्लम्स को लेकर के, तब तक थैंक यू, बाय बाय।